कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब दर्शन करके आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद। कांस्टेबल ने खोली मेस के खाने की पोल, पुलिस ने बताया अनुशासनहीनता। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला खराब खाने को लेकर रो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के पुलिस मेस का है। यहां बुधवार को एक पुलिस कांस्टेबल ने खराब खाने को लेकर अपना दुखड़ा रोया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वाले इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। पुलिस कांस्टेबल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल पुलिस मेस का खाना लिए हुए है और खाने की कमियां बता रहा है। वह खाना हाथ में लेकर रो रहा है और यह कह रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ मेरे माँ बाप थोड़े ही हैं, इतना कहने पर मुझे बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है, आप ही कहिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पर एक्शन लिया जाए। तो मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करता है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते, 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोगों को बुला, मैं नहीं आऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल मुझे तो रोड पीछे चढ़ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से।